Dear students, how are you all? Today we are going to start our new chapter, which is the homeostasis, chapter number 11. Chapter number 11 homeostasis में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो plants हैं या animals हैं उनकी bodies अपने आप को अपने internal conditions को बाहर के conditions के मुताबिक कैसे maintain करती हैं. Chapter number 10 के अंदर हमने gases की exchange पढ़ी थी plants और human के अंदर, animals के अंदर भी. और हम अभी पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे जो किसी भी बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो कैसे अपनी इंटरनल कंडीशंस को एक्सटर्नल कंडीशंस के मुताबिक, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक बैलेंस करती है. तो लेट्स स्टार्ट कि होम्योस्टेसिस क्या है. होम्योस्टेसिस की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. होम्योस्टेसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आए, लेकिन जो होम्योस्टेसिस है वो क्या करता है कि इंटरनल कंडीशंस को बॉडी की मेंटेन रखता है, इक्विलिब्रियम पे रखता है. एग्जांपल अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेंस एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर. जो ह्यूमन बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, चाहे एयर टेम्परेचर के अंदर इसके सराउंडिंग्स, उस बॉडी के सराउंडिंग्स में एयर टेम्परेचर जो भी हो, लेकिन उसका जो इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल जो बैलेंस है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है. ठीक है, इसको मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म हमारी बॉडी फॉलो करती है जिससे हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है. वो मैकेनिज्म कैसे फॉलो करती है वो हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे. इसी तरह सिमिलरली द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेंस अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन द कार्बोहाइड्रेट्स. और अगर हम बात करें ब्लड ग्लूकोज लेवल की, ब्लड के अंदर शुगर लेवल की, तो वो 1 ग्राम पर लीटर रहता है चाहे हम कितना ही कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ले लें, कार्बोहाइड्रेट रिच मील ले लें, लेकिन फिर भी जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहता है. बाकी सारी जो ग्लूकोज है वो वेस्ट कर दी जाती है या किसी और मैकेनिज्म या किसी और बॉडी पार्ट में यूज़ कर ली जाती है. ठीक है, तो ब्लड के अंदर जस्ट 1 ग्राम ही रहती है. इस तरह तो चाहे हम जितना भी कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स ले लें, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ले लें, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के अंदर जो इसका लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहेगा. ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए भी डिफरेंट मैकेनिज्म हमारी बॉडी जो है वो फॉलो करती है. उसी तरह आगे हम बॉडी सेल्स नीड्स द इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज मच. बॉडी सेल्स तब काम करते हैं जब जो इंटरनल इन्वायरमेंट उसको दिया जाता है वो स्टेबल हो. और अगर स्टेबल, अगर उसके अंदर चेंजेस आ भी रही हैं कुछ, तो वो बहुत थोड़ी चेंजेस हों, बहुत लिमिटेड अमाउंट में या लिमिटेड चेंज हो, स्लाइटली चेंजेस हों. ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ी चेंजेस आती हैं बॉडी इंटरनल कंडीशंस में, तो जो बॉडी की सेल्स हैं वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी की सेल स्टेबल इन्वायरमेंट में, स्टेबल इंटरनल कंडीशन में काम करते हैं. उसके बाद स्टेबल इंटरनल कंडीशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स. जो स्टेबल इंटरनल कंडीशन हैं वो हमारी बॉडी में एंजाइम को फंक्शन करने के लिए भी ज़रूरत होती हैं. हमें पता है कि एंजाइम्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जिन जो प्रोटीन नेचर है, ऐसे कंपाउंड है या ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रोटीन नेचर है, या ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर जो है ग्लोबुलर होता है. और जब थोड़ी सी भी अगर चेंजेस आती हैं तो एंजाइम प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है. प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से प्रोटीन अपना जो प्रॉपर फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, वो करना छोड़ देता है. और अगर हमारी इंटरनल कंडीशन में स्टेबिलिटी ना आई, हमारी इंटरनल कंडीशन स्टेबल ना हुई, तो एंजाइम भी अपना काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं वो बहुत स्लो चलते हैं. हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं फॉरवर्ड हो रहे होते. द फॉलोइंग आर द सम प्रोसेसेस ऑफ द होम्योस्टेसिस. आगे इसमें कुछ होम्योस्टेसिस की ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए. तो जो पहला प्रोसेस है वो है ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट. ठीक है, तो रेगुलेट करता है. ऑस्मो रेगुलेशन में हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट है इन द बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड. ठीक है,
अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट को मेंटेन करना बॉडी फ्लूइड्स के अंदर. कौन कौन से फ्लूइड्स हैं? एक तो ब्लड है और दूसरा टिश्यू के जो फ्लूइड्स हैं यानी लिम्फ वगैरह, इनके अंदर साल्ट और वाटर के अमाउंट को मेंटेन करना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है. वी नाउ दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड इनसाइड द सेल्स कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस विच आर इसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स. हमने चैप्टर नंबर 4 में 9th क्लास में पढ़ा था टॉनिसिटी के बारे में. टॉनिसिटी हमने कहा था कि द टर्म टॉनिसिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, यानी साल्ट और वाटर की जो लेवल है उसको जब हम बैलेंस करते हैं या उसको जब हम स्टडी करेंगे तो वो टॉनिसिटी के अंदर आएगा. हमने इसकी तीन स्पेसिफिक टर्म्स भी पढ़ी थी, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक. तो बॉडी की कंडीशंस के मुताबिक और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक बॉडी जो है अपने आप को मेंटेन करती थी, अपने वाटर और साल्ट के अमाउंट को बैलेंस करना चाहती थी हर टाइम. तो उसने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि जो रिलेटिव अमाउंट वाटर और साल्ट की है हमारी बॉडी के अंदर या इनसाइड द सेल्स, वो जो है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए कंट्रोल की जाती है. ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से वाटर और साल्ट के अमाउंट को बॉडी के अंदर इनसाइड द सेल्स और जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उनके मुताबिक बैलेंस किया जाता है. तो इस तरह ऑस्मोरेगुलेशन हेल्प करते हैं और होम्योस्टेसिस में. सेकेंड हमारे पास है थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन नेम से इंडिकेट कर रहा है कि ये रिलेटेड टू द टेम्परेचर होगा. द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मोरेगुलेशन. द एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर. एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम. जो बॉडी के एंजाइम्स होते हैं वो क्योंकि प्रोटीन इन नेचर है, उनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, तो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम करते हैं. हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं. अगर किसी भी एंजाइम का टेम्परेचर हाई या लो हो जाए उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से, तो उस एंजाइम ने अपना काम करना छोड़ देना है. तो इसलिए बॉडी के अंदर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर वो ईज़िली अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम कर सकें. वरना एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स. और अगर किसी भी टाइम बॉडी की टेम्परेचर के अंदर चेंज आती है, थोड़ी सी भी चेंज आती है, तो वो एंजाइम की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकती है. उसके बाद थर्ड हमारे पास जो होम्योस्टेसिस के अंदर तीसरा प्रोसेस आता है वो है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन जो है इज़ द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस. इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम. एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो इंटरनल कंडीशंस हैं उसको बॉडी की मेंटेन रखा जा सके. ठीक है, इसमें हम एग्जांपल हम लेते हैं यूरिक एसिड की और यूरिन की. यूरिक एसिड और यूरिन जो है हमारी बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रिजल्ट में ये प्रोड्यूस होते हैं, ये वेस्ट मटेरियल हैं. यूरिक एसिड अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक या अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक स्टोर रहे तो हमारी बॉडी को हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए. इसलिए जल्द से जल्द रिमूव आउट करना ही बेहतर है यूरिक एसिड और यूरिन को. तो ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है ये भी हेल्प करता है कि वो बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कर सके. साइड बॉक्स में उसने हमें बताया है कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसका मतलब है कि वो मटेरियल जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं, और अगर वो थोड़ी देर तक वो हार्मफुल होते हैं वो स्टोर एज हैं. जो यूज़फुल मटेरियल होते हैं वो एनर्जी होती है, एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं, वाटर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी के मटेरियल हैं वो वेस्ट होते हैं, उनको हमारी बॉडी से रिमूव आउट करना बहुत ज़रूरी है वरना वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं.